हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप पावर इलेक्ट्रॉनिक में बीजू के प्रेक्टिकल से थ्री फेज फुल रेक्टिफायर अभ्यास करीशु। इनमें सर्किट अँ ऑलरेडी बना लीधेली है। सर्किट बनावा डायोड, एम्पेरमीटर, लोड, ऑसिलोस्कोप और सप्लाय आ बदी वस्तु मैं जोड़ेली है। आ बदा एलिमेंट है, आप ऊपर जो एलिमेंट नामन टेप है ये सिलेक्ट कर मड़ी जैसे। तब पावर में जसो एट आरएलसी ब्रांच और रजिस्टर, तो अहींथी तमने रजिस्टर मिली जशे बराबर। एज रीते स्विच में जसो तो तमने डायोड्स मिली जशे, जे पण तमारे स्विच तरीके लेवू होय तमे लई शको छो, पण मैं डायोड लीधो छे। एज रीते सोर्स, सोर्स नी अंदर आपणे वोल्टेज सोर्स लेशुं, एमां थ्री फेज सप्लाय लेशुं, तो आ तमने थ्री फेज सप्लाय मिली जशे। आमे आखुं नामकरण करेलुं छे, कोई पण वस्तुने नाम आपवा माटे एना उपर क्लिक करवानुं रहेशे। एट्रीब्यूट्स में जसो तो साइन वेव 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आ रीते हूँ सप्लाय चेन्ज कर सकू छू। एज रीते डायोड है एना पर राइट क्लिक करीने हूँ डायोड ना नामकरण कर सकू छू। एम्पेरमीटर पर क्लिक करीने एम्पेरमीटर ना नामकरण कर सकू छू। अहीं हूँ क्लिक करीश एटले आ नाम त्यां देखाशे। तो आने आपणे आर फेस कही सकीए, बीजो छे वाई फेस कही सकीए, त्रीजो छे बी फेस कही सकिए। आर फेस छे ए डी वन अने डी टू साथे जोड़ेलो छे, वाई फेस छे डी थ्री अने डी फोर साथे जोड़ेलो छे, अने बी फेस आर वाई बी फेस छे ए डी फाइव अने डी सिक्स साथे जोड़ेलो छे। तमने ख्याल छे के ज्यारे आर फेस सौथी हाईएस्ट हशे त्यारे डायोड डी वन कंडक्ट थशे, आर टू हाईएस्ट हशे त्यारे डायोड डी थ्री कंडक्ट थशे, अरे वाई वाई फेस, अने बी फेस जयरे हाईएस्ट हशे त्यारे डी फाइव कंडक्ट थशे। ए तमे थियरी में भणी चूक्या छो। हवे जो आपणे आने सिम्युलेट करिए तो आई वन करंट छे आर फेज में, एटले के पहला डायोड मांथी पसार थतो करंट छे। आई टू ए डायोड आर फेज में जो बीजो डायोड जोड़ेलो छे एनी अंदर पसार थतो करंट छे। आ बन्ने में तमे जोई शको छो कि ज्यारे आई वन करंट फ्लो थतो हशे त्यारे आई टू नहीं थतो होय, एज रीते ज्यारे आई टू मांथी करंट फ्लो थशे त्यारे आई वन में नहीं थाय, एटले के बन्ने डायोड छे ई क्यारे एकी हारे चालू थशे नहीं। बराबर, जो बन्ने डायोड एक हारे चालू थाय तो तमारो जे सर्किट छे ई शॉर्ट सर्किट थई जशे, तो आ वस्तुनो खास ध्यान राखू। हवे आपणे नेक्स्ट एड करशुं आई थ्री, एटले के फेज बी माथी पसार थतो करंट। आई फोर फेज बे मां पण नीचेनी साइड जे करंट पसार थाय छे। आई फाइव आर वाई ने बी माथी आई फाइव एटले के बी फेज माथी पसार थतो करंट छे। आई सिक्स आई सेवन तो आपणे जोई शकीए छीए के बधाज फेज माथी करंट कई रीते फ्लो थाय छे। जेवो छे आर फेज एक्टिव थशे एटले डायोड डी वन माथी करंट पसार थशे, आर नेगेटिव थशे अने ज्यारे बी पॉजिटिव थशे त्यारे आई थ्री माथी पसार थशे डायोड आई थ्री माथी। एवी ज रीते ज्यारे आई फाइव एटले के बी फेज एक्टिव थशे त्यारे तमारा शरूआतमां छे पेला डी फाइव डायोड एक्टिव हशे, पछी डी वन डी थ्री पाछो डी फाइव डायोड आवशे। आ रीते आर वाई अने बी माथी करंट फ्लो थशे। बराबर, ज्यारे आ ऑन हशे त्यारे आ ऑफ हशे, आ ઓન હશે ત્યારે આ ઓફ હશે, સેમ વે આ ઓન હશે ત્યારે આ ઓફ હશે, આ ઓફ હશે ત્યારે આ ઓન હશે। એટલે કે એકી હારે જે
એક ફેઝમાં બે ડાયોડ જોડેલા હશે એ ક્યારેય ચાલુ હશે નહીં, અને બધાનો જે આઉટપુટ છે એ તમને આ રીતે મળશે. તો આ જે આઉટપુટ મળશે આપણે ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયરનું આઉટપુટ મળશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા કરંટની વેલ્યુ પણ તમને અહીંયા તમે માપી શકો છો કે દરેક ટાઈમે દરેક ડાયોડમાંથી જે કરંટ પસાર થતો હશે એ કેટલો હશે.